नमस्ते फूडीज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ आम रस और मसाला पूरी। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले हम आटा लगा लेते हैं। तो उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने 2 कप आटे में 1 टीस्पून जितनी रेड चिली पाउडर डाला है, आधी टीस्पून टर्मरिक पाउडर डाला है, 1 टीस्पून अजवाइन डाला है और सॉल्ट डाल लिया है स्वाद अनुसार। उसके बाद मैं इसमें 2 टीस्पून जितना मौन के लिए ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो अब इसको सब मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद पानी डाल के कड़क आटा लगा लेंगे, जैसे हम पूरी का लगाते हैं। उसी तरीके से मसाला पूरी का भी आटा होता है, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट और ना ही ज़्यादा कड़क। तो आटा तैयार है। अब मैं इसको रेस्ट करने के लिए ढक के रख दूँगी। और अब हम आमरस की तैयारी करते हैं। तो आमरस के लिए हमको क्या क्या सामग्री चाहिए, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पके हुए आम को अच्छे से छील लेते हैं और कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 प्रोसीजर का यूज़ किया है। अगर आपके पास पके हुए आम हैं तो आप पूरे पके हुए आम से ही मैंगो आम रस बना सकते हैं। और अगर आपके पास रेडी टू यूज़ वाला मैंगो पल्प जो मार्केट में मिलता है वो हो तो उससे भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें यूज़ की हैं। तो मैंने आम को कट कर लिया है और इसका आप चाहे तो 2-3 आम मैंगो का ये बना लें, पर मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें यूज़ करने वाली हूँ, मैंगो पल्प भी यूज़ करने वाली हूँ। अब मैंने एक ही आम लिया है इसलिए, और इसमें मैं अब ये मैंगो पल्प डाल दूँगी। ये इससे हम 4 कटोरी आम रस आराम से बन जाएगा इतनी सब चीज़ों के साथ। तो अब मैं इसमें डालती हूँ नटमेग पाउडर, जो 1/4 टीस्पून जितना ही मैंने लिया है, 1 टीस्पून जितना इलायची पाउडर, और ये है सोल्ट पाउडर, जैसे ड्राई जिंजर पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट मैंने डाला है। बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालना है। और 2 टेबलस्पून जितना मैंने शुगर लिया है, ब्राउन शुगर मैंने यूज़ किया है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि शुगर मैंने कम लिया है। अब मैंने इसमें मिल्क डाल दिया है। मैंने 1/2 कप जितना मिल्क लिया है। सब चीज़ों को हैंड ब्लेंडर से मैं ब्लेंड कर लूँगी। हैंड ब्लेंडर से ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। आपको मिक्सर का यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से हैंड ब्लेंडर से ये पूरा ब्लेंड हो जाता है। तो आमरस बिल्कुल तैयार है और इसको हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो अभी आटे को भी हमारे 10 मिनट हो गए हैं रेस्ट करते हुए। तो आटा भी अच्छे से तैयार है पूरियां बनाने के लिए। इसको एक बार मैं और गूंद लूँगी तो एकदम स्मूथ हो जाएगा और अच्छे से हम इसकी पूरियां बना पाएंगे। मैंने इक्वल पार्ट में थोड़ी सी लोई तैयार कर ली है। तो ऐसे लोई तैयार कर लेंगे और उसको हाथों में थोड़ा तेल लगा के पेड़े ऐसे बना देंगे। ये मसाला पूरी आप ट्रैवल में ले जा सकते हैं। ये 3-4 दिन तक अच्छी रहती हैं। चाय, कॉफ़ी, दही और श्रीखंड, आमरस सबके साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो अब मैं पूरियां बेल लूँगी। 3-4 पूरियां मैं यहाँ पे बेल दूँगी। और मैंने तेल गरम होने रख दिया है कढ़ाई में, तो तब तक मैं पूरियां बेलूँगी तो तेल भी गरम हो जाएगा। तो पूरियां तैयार हैं तलने के लिए। तेल एकदम गरम होना चाहिए और उसको हाई फ्लेम पर हम बनाएंगे पूरियों को। तो पूरी डालेंगे और उसको पोनी की सहायता से दबा के फुला लेंगे और बार बार पूरियों को नहीं पलटेंगे, नहीं तो वो कड़क हो जाएंगी। और एक ही बार करेंगे तो
ऑयल भी इनमें कम भरेगा और पूरियां बहुत अच्छी बनेंगी। तो देखिए हमारी पूरियां तैयार हैं। इस तरह से पूरियां बनाने के बाद आप आमरस और पूरी मैंने सर्व कर दी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।